हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तमन्ना कुमोत ऑफिशियल। आज कुछ खास तो है नहीं, बस ऐसे ही ब्लॉग बना रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ पार्लर, गांव जाने वाली हूँ 18 को। इसके लिए थोड़ा पार्लर जाके आईब्रो वगैरह करवा लेती हूँ। आ चुके हैं पार्लर। कब से प्रिया के घर पे बैठी थी, पार्लर वाले को कॉल किया तो बोली मुझे टाइम लगेगा, इसके लिए आधा घंटा इनके घर पे बैठ गई। और अभी जा रही हूँ, हिमू उठेगा उससे पहले मैं आईब्रो करवा के चली जाऊंगी घर पे। ये है लिव्या। नाम बता लिव्या, नाम क्या है? लिव्या। जोर से बोल, लिव्या। हाँ, लिव्या मेरी ननन की लड़की है। चली ब्यूटी पार्लर आ गए हम। नहीं आया अभी तक। क्यों? मैंने कॉल तो किया, बोले कि 10-15 मिनट में आती हूँ। मैं कॉल करके आई। मैं ये देखिए, अभी हम पार्लर आ चुके हैं और पार्लर वाली दीदी अभी तक आई नहीं है। पार्लर वाले मैडम आ चुके हैं। yes. क्या है आपका पार्लर का नाम बताइए? पार्लर का नाम है शैलीज ब्यूटी पार्लर। हाँ, देखो कितना वेट करा है मुझे। तो कब से आके बैठी हूँ मैं। मैडम जी के मूछें आ गई है। पे जा रहे हैं, जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। योगी जी का फोन आ गया है, मैंने उनको बिठा के रखा है कि मेरे वीडियो बनाने हैं। तो बेचारे कब से आके बैठे हैं, पर टाइम लग गया पार्लर में। तो भी जल्दी जल्दी घर पे जा रहे हैं, फिर रील्स बनाएंगे और मार्केट भी जाने का सोच रही हूँ। देखते क्या होता है, आज तो इतनी धूप भी नहीं है तो सोच रही हूँ मार्केट जाके आ जाओ। फिर मंडे को तो गाँव ही जाना है। तो ये हिमू को देखो, हिमू की काजल तो देखो पहले। हिमू फुल हैप्पी हो गया उसके मम्मा को देख के, है ना हिमू? हैप्पी हो गया ना तू? बस उसका ध्यान तो कबूतर में है। किधर है कबूतर? है बेटा, किधर है कबूतर? बनाने के लिए छत पे आ चुके हैं और योगी जी भी आ गए। वो तो मुझसे पहले आ गए थे, तो वही वेट कर रहे थे। कितना वेट किया आपने मेरा? आधा घंटा। ओ, कभी एक घंटा, कभी आधा घंटा, कुछ भी। हाँ, जैसे माइंड में आया वैसे बोल देने का है। गुड गुड, चलो अभी रील्स बनाते हैं। अभी मार्केट जा रही हूँ, ओढ़नी की लेस लानी है। तो नितिन उठ गए तो मैंने बोला नितिन लेके चलो मुझे ना मार्केट। नितिन को तो फुल गुस्सा आ रहा होगा कि सोने नहीं देती है, है ना? हिमू सोया है, तब तक हम लोग जाते हैं मार्केट में। आई थी लेस लेने के लिए तो इतने सारे फैंस मिल गए। हेलो बोलो। पेट पूजा तो रहेगी है मोरे, मैंने यहाँ पे जावे दिया हो घर है ये मूड को वहीला तो इमान से जल्दी जल्दी जावे दिया हो। पिके पिके और हेलमेट लगा पिके जूस। अभी घर पे आ चुकी हूँ मैं और नितिन गए पेट्रोल भरवाने गाड़ी में। देखते हिमू उठा है कि चक्के है क्या। अभी मैं मेरे मामा ससुर जी के यहाँ आई हूँ और आते ही मैंने क्या देखा, ये देखिए मोहित जी कपड़े समेट रहे। ओ माय गॉड, मैंने फर्स्ट टाइम देखा, आई कांट बिलीव। यू कह रहा सीरियसली मोहित, ये आप हो जो कपड़े समेट रहे हो, मम्मी के घाघरिया समेट रहे हो? क्या ऊंड होते ही जन धड़ा मोहित। मोहित
और हमारे वीडियो शूटर तो गेम में लगे पड़े हैं, क्या कर लो पबजी। और ये है मोरा मम्मी हाउस जी। क्या सब्जी बना रहे हो आज, कुछ स्पेशल? हेमू अपने बड़े पापा के घर पे आया है। ये हेमू के बड़े पापा है, मतलब मेरे जेठ जी। और हेमू को लॉलीपॉप पसंद है, और वो जब भी हेमू से मिलते हैं तो उसके लिए लॉलीपॉप लेके आते हैं। मैं मेरी जेठानी जी के घर पे आई हूँ, तो देखिए ये क्या बना रहे हैं। क्या बना रहे हो? दाल चावल बना रहे हैं, मतलब मामी सास के यहाँ तो टमाटर चावल बन रहे और इनके यहाँ दाल चावल। तो इनका दोनों का घर पास पास में ही है, इसके लिए हम यहाँ आए। हम तो खाना बना के आए कि चलो थोड़े गप्पे शप्पे मारेंगे। ये देखिए, ये मेरी जेठानी है। सभी हम घर पे आ चुके हैं, जेठानी के घर पे गए, मामी सासू के घर पे गए, और फिर पानी पूरी खाए और अभी घर पे। और हाँ, एक बात अलग हुई, ऐसा बोलते हैं ना सब कि कुछ भी हो जाए पानी पूरी वाला कभी गिनती नहीं भूलता है, तो आज भूल गया। उसने कुछ ज़्यादा ही पूरी खिला दी, उसको खुद पता नहीं था। तो फिर मैंने एक बार पूछा भी उससे कि एक ही प्लेट कर रहे हो कि दो प्लेट, फिर भी बोला एक ही प्लेट कर रहा हूँ। खिलाते जा रहे तो हम तो खाते जा रहे। तो भाई ऐसा बोलते हैं ना कि कभी गिनती नहीं भूलता, पर पानी पूरी वाला भूल गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग यही ख़त्म होता है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।